और यहाँ पर हमें रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मंजर कोई मुसाफिर पूछे अगर सुकून का, रास्ता बता देना उसे मेरे दून का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमालयन जर्नी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ घंटाघर पे और अभी मैं जा रहा हूँ विकासनगर की ओर। लगभग 40 मिनट बाद मैं विकासनगर पहुँच चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू हिमालयन जर्नी। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ। इस वक्त हम हैं बाड़वाला विकासनगर में। मेरे साथ है मेरे दोस्त अभिषेक भाई। बाड़वाला से हम लोग राइट की तरफ जाएंगे जूडो वाले रूट पर। यहाँ पर काफी तेज बारिश हो गई है और अब हम लोग यहाँ से रेनकोट पहनकर निकलेंगे। बारिश हो रही है यार, और लगता है आगे रोड भी खराब होगी। हमें रास्ते में शायद बहुत सारे वाटरफॉल मिलने वाले हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वक्त हम लोग रुके हैं जूडो के पुल पर, यमुना पुल जिसे कहा जाता है, और यहीं से आगे में भी 70 किलोमीटर और आगे जाना है। और ये आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चलता हुआ, शायद कोई डैम बन रहा है। हम लोग रुके हैं जूडो से 5 किलोमीटर आगे, जहां पर आज मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहा है। इस वक्त हम रुके हैं नैनबाग से 20 किलोमीटर पीछे, और रास्ते में इतना प्यारा वाटरफॉल हमें जो दिखा है। अभी यार भूख भी लग रही है, अब मुझे इंतजार है किसी दुकान का या किसी होटल का। वैसे होटल मिलना तो इस रूट पर टफ है, देखते हैं कोई दुकान मिलती है तो आगे। और यार फाइनली हम लोग को एक दुकान मिल गई है जहाँ पर कुछ खा सकते हैं। इस दुकान पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पर चाउमीन और चाय ऑर्डर की है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें। एंटर कर गए हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो है टीरी बॉर्डर है ये, और यहाँ से हम उत्तरकाशी में एंटर कर चुके हैं इस समय। यहाँ से आगे का सफर जारी रहेगा। इस समय हमें लाखा मंडल से 23 किलोमीटर दूर, और यहाँ से हमें लाखा मंडल पहुँचने में लगभग 30 से 40 मिनट का टाइम और लगेगा। लाखा मंडल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर है। क्यों भाजी, कितना ही होगा? और इस समय हम लोग रुके हैं यार लाखा मंडल से थोड़ा सा दूर। सो फाइनली बहुत नज़दीक है हम लाखा मंडल के। फाइनली यार हम लोग लाखा मंडल पहुँच चुके हैं, और ये लाखा मंडल मंदिर का मेन गेट है जो कि आजकल कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिया गया है। हम लोग यहाँ से दूसरे रास्ते से जाएंगे जो 100 मीटर आगे है। यहाँ से मंदिर 200 से 300 मीटर डिस्टेंस पे है। सफर अभिषेक भाई बहुत ही खतरनाक मंदिर है वाला।
सरदार जी जो कि हमारे साथ मंदिर जा रहे हैं आज। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे। ये बैक गेट है मंदिर का, एक्चुअली मेन गेट आजकल बंद है कोरोना वायरस के चलते। लाखा मंडल गांव देहरादून से 128 किलोमीटर और विकास नगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। लाखा मंडल की प्राचीनता को कौरव और पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कौरव ने पांडव और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहां पर लाक्षाग्रह का निर्माण किया था। बताते हैं कि लाखा मंडल में वो ऐतिहासिक गुफा आज भी मौजूद है जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर निकले थे। अपने अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने इस मंदिर के आंगन में एक शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे आज महामुंडेश्वर नाम से जाना जाता है। शिवलिंग के सामने दो द्वारपाल खड़े हैं जिनमें से एक का हाथ किसी कारणवश कटा हुआ है और ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग ने यहाँ के पंडित जी से कुछ बातचीत की जिनसे हमने मंदिर के बारे में कुछ जाना। मंदिर है, भैरों का मंदिर है, यहाँ सारा शिवलिंग बनाते हैं पूरे में, इसलिए लाखा मंडल जहाँ भी खुदान करेंगे वहाँ शिवलिंग मिलते हैं जी। नदी पार गाय माता की और वो आगे शिवलिंग में सरस्वती दूध का अवशेष करके जी जा जाती थी गौ माता। गौ माता तो पंडित जी यहाँ पे जहाँ भी खोदो शिवलिंग निकलते हैं, मतलब निकलते हैं। तो ये क्या खासियत हुई मतलब इसकी? जैसे आगे म्यूजियम बना रखे, संग्रहालय बना रखे जी, कुछ वहाँ रखते हैं जी। मेन जो मेन मूर्ति है ये मैं कहलाती मंदिर में। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? मेरा नाम लाखीराम गौड़ है। आप गौर हर गांव के लोग यहाँ पे आते बर मांगने आते हैं, किसी का पता नहीं होता है जी। तो यहाँ लाखा मंडल आके और शिव मंदिर में भैरों के मंदिर में यहाँ बर मांगने आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ये मूर्तियाँ पंडित जी अपने आप सारी निकली हैं कि ये बनाई गई हैं? ये मूर्तियाँ जैसी जी कहते हैं कि हमारे दादाजी दादा थे जी, कहते थे उन्होंने शंकर लगाए जो हमारे दादा थे, फिर उनके पास ऐसे बोला कि ये मूर्ति ऐसी रखी हुई थी जी। मतलब आपके दादाजी लोग नहीं, आपको दादा के दादा होंगे, जैसे हमारी जमीन है अगर कहीं खुदान करेंगे तो वहाँ शिवलिंग मिलते रहते हैं जी, जी। तो यहीं पे गाँव वाले इकट्ठे होके ये मंदिर में लाते हैं। मतलब इतना पैतृक मंदिर है ये पुराना। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत बहुत समझ। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग शिवलिंग के दर्शन करने आए। चिंतारण ये कभी दबे हुए थे मट्टी के नीचे जी, तो ये 1972 में कोई हरि नाम के आदमी को सपने में दिखे, उन्होंने खुदाई की तो ये शिवलिंग निकले। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग लाक्षाग्रह की ओर निकल गए। लाक्षाग्रह वही स्थान है जहाँ पर पांडवों को जीवित जलाने की कोशिश की गई थी। गुफा मैं आपको दिखा दूं, सामने की पहाड़ियों में गुफा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद गुफा के दर्शन करने आए हैं। अब यहाँ से हम लोग लाक्षाग्रह की ओर जाएंगे। लाक्षाग्रह रोड से लगभग 300 मीटर दूरी पर है जहाँ जाने में 4-5 मिनट का समय लगेगा। यही है लाक्षाग्रह गुफा जहाँ पांडवों को जीवित जलाने की कोशिश की गई थी। मंदिर में माता की मूर्ति के पीछे गुफा का मुख्य द्वार है जहां से पांडवों ने गुफा में प्रवेश किया था और अपनी जान बचाकर भागे थे। इसी गुफा से पांडव अपनी जान बचाकर भागे थे। लाक्षाग्रह के दर्शन करने के बाद अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां से पांडव अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकले थे।
यहाँ से गुफा के उस द्वार की तरफ जाएंगे जहाँ से पांडव सुरक्षित सकुशल बाहर निकले थे। इसी गुफा से पांडव सुरक्षित बाहर निकले थे। आइए आपको दिखाते हैं इस गुफा के अंदर कि पांडव कहां से आए थे। पांडव गुफा बोला, पांडव यहां से बाहर निकले थे जब उन्हें लक्षा गया नहीं जलाया जा रहा। तो आए कहां से थे पांडव यहां? मतलब यहां इस वक्त हम जा रहे हैं पंडित जी से कुछ बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ के बारे में हमें बताएंगे जरूर। इस गुफा में तो बड़ा ठंड है पंडित जी, बहुत ज्यादा। बहुत यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे एसी लगा हुआ हो। एसी लगा हो? यहाँ गर्मियों में ठंडा, जाड़ों में गर्म रहता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा होता है। एक सुरंग ये निकल रही जी। इस सुरंग के अंदर जाने का है पंडित जी? वैसे जहाँ तक जा सकते हैं गए हैं, लोग जाते हैं। लोग अच्छा लोग जाते हैं। सुरंग कितनी है? इधर भी है सुरंग? इधर बहुत बड़ी सुरंग है। इधर भी है, आपके पीछे भी है, चारों दिशाओं को है यहाँ पर। इसका नाम जो है पांडव गुफा है, पहले पांडव गुफा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। ये मेरे साथी खाना खाते हैं पवार ढाबा में। हम यहाँ से सीधा विकास नगरी जाकर रुकेंगे और आज की ट्रिप का ये था एंड। तो मुगल, कैसा रहा आपका सफर आज? सफर बहुत अच्छा रहा आज, बहुत अच्छी राइड रही। हम लोग लाखा मंडल मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में, बहुत मज़ा आया। और अपने दो दोस्तों के साथ में गया था। सो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि कभी आप लोग आ रहे हैं तो सुबह जल्दी निकलिए, क्योंकि विकास नगर से जो डिस्टेंस है 80+ किलोमीटर है और वहाँ से आने जाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप जो है जल्दी आइए कभी। और यहाँ का व्यू जो है, रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल हमने देखे और बहुत सारे हमने एडवेंचर आज किए यहाँ पर और बहुत फन किया। आप लोग को सजेस्ट यही करूँगा कि जरूर आए। हेलो, हाय मुकुल, जापान से हेलो। हेलो हेलो। और यहाँ पर हमें रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है, इसलिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। उपनीत और मुकुल लोगों के हेल्प करा रहे हैं गाड़ियाँ साइड कराने में। ले आऊँ? के साथ थैंक यू ऑल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।